दोस्तों वेलकम बैक टू एप्स अपडेट यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आपके पास जियो सिम है और जियो सिम को अगर आप 5G में कन्वर्ट करना चाहते हो लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करते हो बहुत वीडियो देखते हो लेकिन काफी सारे वीडियो में फेक होता है जो बोलते हैं इसमें ये सेटिंग करो वो सेटिंग करो लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ अलग लगेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रो दिखाऊंगा किसी भी जियो सिम में अगर आपका फोर है तो उसको फाइव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और अनलिमिटेड नेट कैसे यूज कर सकते हो तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही अपडेट में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो बिना टाइम स्क्रीन चलो देखते हैं लेट्स कैट स्टार्ट इट तो अगर आप जियो यूज करते हो ना तो ये देख सकते हो जो कि मेरा फोन में अभी फोर जी चालू है तो अभी मैं आपके सामने फाइव जी इनवॉल्व करके दिखाऊंगा और ये जियो का फाइव जी अनलिमेटेड ऑफर आप कैसे ले सकते हो तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है जो वीडियो देख रहे हो इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल वाला बेल पर आपको दबा के रख देना है और जो वीडियो देख रहे हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स आएगा तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देख सकते हो एड ए कमेंट आता है तो इसी एड ए कमेंट पर आपको यहाँ पे कमेंट कर है सिंपली जियो फोर जी लिख के फोर जी टू फाइव जी जियो फोर जी टू फाइव जी ये लिख के कमेंट कर देना है जैसे ये कमेंट कर दोगे दोस्तों ये कमेंट हो जाएगा फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा जो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर है प्ले स्टोर पर जाके माई जियो ऐप जो है आपको पता ही है माई जियो ऐप को बस आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आपने नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन आपके फ़ोन नंबर से लॉग इन वगैरह कर लेना है वो तो आपको पता ही है कर देने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर चार्ज वाला बटन आ रहा है जो कि अभी यहाँ पे ध्यान से देखो जो मेरे फोन है अभी भी फोर चालू है ठीक है तो अभी मैं आपके सामने फाइव जी करूंगा तो इसीलिए आपको ना कि होगा सार्स वाला बटन में सार्स में क्लिक करना है कर देने के बाद आपको लिखना है Jio फिर लिख देना है 5G ये देख सकते हो जैसे Jio 5G लिखोगे तो इन मोबाइल Jio 5G में क्लिक करना है जैसे Jio 5G में क्लिक करोगे क्लिक कर देने के साथ-साथ दोस्तों आप देख सकते हो जो कि इस तरफ से देख सकते हो जो कि डिवाइस के फिर 5G कवरेज चेक फिर ट्रू 5G तो आपको करना क्या होगा ये जो डिवाइस कॉम्पेटेबिलिटी इसमें आपको क्लिक कर देना होगा इसमें क्लिक कर देने के साथ देख सकते हो तो लोडिंग होगा लोडिंग हो जाने के बाद फिर आपको सिलेक्ट योर डिवाइस डिटेल्स टू चेक ट्रू फाइव जीप कॉम्पेटेबिलिटी जो भी है तो आपको यहां पे सिलेक्ट ब्रांड का जो ऑप्शन देख रहे हो तो आपको सिलेक्ट ब्रांड में क्लिक करना होगा यहां पे सबसे पहले आपको यहाँ से इनेबल करना होगा जो कि 5G है तो आपको करना क्या होगा जो भी आपके फोन है अगर वन प्लस है वीवो है शावमी है रियलमी है सैमसंग है जो भी फोन है एप्पो फोन है ओप्पल एप्पल है अगर आईफोन है या ओप्पो फोन है जो भी फ़ोन है यहाँ पर सब कुछ है तो अभी मेरा ये जो फ़ोन है शाओमी है ये देखो ये शाओमी रेडमी है तो यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांड पर शाओमी क्लिक करना होगा और कर देने के बाद सिलेक्ट मॉडल जैसे कि आप जो भी कंपनी सिलेक्ट करोगे कर देने के बाद आपको मॉडल तो यहाँ पर आएगा सिलेक्ट कर लेना है तो मेरा जो ये मॉडल है ये मॉडल है आपका रेडमी इलेवन रेडमी एलेवन प्रो तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया अगर नहीं आता तो आपको सर्च करना है फिर रेडमी 11 प्राइम मेरा आ गया फाइव तो ये सिलेक्ट करता हूँ कर फिर चेक कॉम्पेटेबिलिटी ये भी जो है इसमें क्लिक करना होगा और कर देने के साथ साथ जैसे कि देख सकते हो कॉन्ग्रेजुलेशन योर डिवाइस इज़ जियो ट्रू फाइव जी इज़ रेडी ये जो ऑफर है आपके पास ये कांग्रेजुलेसन दिखाएगा कॉन्ग्रेजुलेशन योर डिवाइस इज रेडी इज़ जियो ट्रू फाइव जी रेडी इस तरफ से दिखाएगा और देख देख लेने के बाद फिर यहाँ पर आपको देखना है आपके फ़ोन में तो ये जियो एक्टिवेट हो गया फाइव का लेकिन यहाँ पर रुको अभी भी क्या मेरा यहाँ पर फोर आ रहा है फाइव नहीं आ रहा है फोर है तो अभी करना क्या होगा चेक फाइव जी कवरेज तो आपको यहाँ पे चेक 5G जी को बरस पे क्लिक करना होगा क्योंकि आप जहाँ जिले पे, तो पे रहते हो कौन सा गांव पे रहते हो कौन से जिले पे रहते हो वहां पे आपका जियो का 5G जी गया कि नहीं जैसे कि सेलेक्ट योर स्टेट तो अभी मैं आसाम में रहता हूँ आसाम क्लिक किया और आसाम क्लिक कर देने के बाद आसाम कहाँ कहाँ पर है देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जैसे आसम क्लिक किया और कहाँ कहाँ फाइव है यहाँ पर दिखा रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एम क्योंकि मैं नगांव में रहता हूँ तो

पे क्लिक किया लेकिन अभी भी देख सकते हो फोर दिखा रहा है तो ये फाइव करने के लिए आपको करना क्या होगा आपका भी यहां पर देख सकते हो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप इसमें आपको क्लिक करोगे कर देने के बाद देख सकते हो प्रेफर 5G या तो आपका ऑटो आएगा तो आपको जो भी होगा प्रेफर 5G में करना है और कर देने के बाद अभी भी 4G दिखा रहा है ना तो ध्यान से देखो अभी बस इतना ही करना है इतना कर देने के बाद फिर अभी आपका फोन का इस तरह से सारा डाटा क्लियर करना है कर देने के बाद जो है आपका फोन जो है एक बार एरोप्लेन मोड कर देना है देखो क्या बोल रहा हूँ एरोप्लेन मोड करना है कर देने के बाद फिर से एरोप्लेन मोड को हटा लेना है हटा लेने के बाद अगर डाटा ऑफ है तो आपको डाटा को ऑन कर देना है मतलब कि जियो का डाटा को ऑन करना है ठीक है इतना कर देने के बाद फिर देखो यहाँ पे जो है नेटवर्क का भी सार्स हो रहा है ये देखो तुरंत ही 5G आ गया क्या बात है 5G जी प्लस जो कि देख सकते हो अभी 4G दिखा रहा था लेकिन अभी यहाँ पे आ गया है 5G जी प्लस तो इसी तरह से आप अपने फोन में 4G सिम को 5G में सेंस कर सकते हो तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया बिल्कुल इसी तरह से ये कुछ जो सेटिंग बताया इन सेटिंग को अभी आप ऑन करो फिर देखो आपका जो फोन में बिल्कुल जियो फाइव इसी तरह से चलेगा तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला और वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ऑल वाला बेल पे दबा के जरूर रख देना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो जय हिंद